हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत दत्त, जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी के रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, पर्टिकुलरली एक बोर्ड से रिलेटेड है, और वो है इस आईओटी किट डिस्कवरी, आईओटी किट के ब्लूटूथ के बारे में। सो डिस्कवरी आईओटी किट एक्चुअली काफ़ी सारे फंक्शनलिटीज़ के साथ आता है। इसके अंदर वाईफाई है, इसके अंदर यहाँ पे आरएफ है, लोरा वैन की कैपेबिलिटी के साथ, और ये रही ब्लूटूथ की आईसी। सो इस एक डेमो के माध्यम से मैं आई विल इनेबल दिस ब्लूटूथ चिप एंड आई विल सेंड द डेटा, अ सैम्पल डेटा विथ ऑल द सेंसर्स डेटा टू एन STM32 प्रोग्राम, बेसिकली ऑन एन एंड्रॉयड फ़ोन। सो फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वन ऐप इन माई मोबाइल। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और चलते हैं लैब की ओर और सेटअप करते हैं कि कैसे इसको सेटअप ब्लूटूथ को इनेबल करके डेटा भेज सकते हैं। सो इन दिस लैब सबसे पहले मैंने STM32 क्यूब IDE को ओपन कर लिया है, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर बेसिकली डाउनलोड करनी है। ये STBLE सेंसर, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने लोकेश वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी ऐप से हमें जो डेटा है वो दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम फाइल STM32 प्रोजेक्ट, और STM32 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के साथ सबसे पहली चीज कि जो नेसेसरी इसमें सेटिंग्स है वो हम करेंगे। सो अभी मेरे IDE में कोई भी प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, और सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को एक सेलेक्ट करता हूँ। अगर कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज ऑफ वो नेसेसरी फाइल्स या बोर्ड के इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करता है। सो ये थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो ये यहाँ पे आ गया है, और सबसे पहले मुझे अपने बोर्ड को सेलेक्ट करना है। सो हमारा जो बोर्ड है वो है IoT किट A2, IoT01A2। तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ से मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है पर्टिकुलरली इस बोर्ड के बारे में। सो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये STM32L475 IoT01 IoT डिस्कवरी किट बोर्ड सपोर्ट एंड एग्जांपल्स के साथ ऑन बोर्ड। इसमें अब जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑन बोर्ड ST लिंक है, सप्लाई थ्रू ST लिंक है, USB OTG, ब्लूटूथ, वाईफाई, 8 MB की फ्लैश मेमोरी और अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सेंसर्स के बारे में। पिक्चर यहाँ से हम अगर बड़ा करके देखना चाहे, डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्सेज यहाँ से देख सकते हैं, डेटा शीट का भी लिंक यहाँ पर मिल जाता है। सो वंस वी आर श्योर दैट आवर बोर्ड इज प्रॉपरली सेलेक्टेड, बिकॉज वी आर गोइंग टू इनेबल दिस पर्टिकुलरली ब्लूटूथ चिप हियर व्हिच इज शोन इन द इमेज, एंड देन वी विल क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर लेंगे। सो सपोज दैट मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है, सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ब्लूटूथ सेंसर डेमो, ओके, और ये STM32 क्यूब IDE की प्रोजेक्ट है। सो वी विल हिट नेक्स्ट, and then let all the options be default. If you are doing for the first time, maybe it will prompt you to update the firmware, otherwise everything is okay, and click finish. Here is important, because you wanted to initialize all the peripherals or only the necessary peripherals. So I would go for no. Main sare peripherals ko ek saath enable nahi karunga, otherwise wo mera program thoda clumsy ho jayega. So we will set enable only selected pieces which is necessary for us. So for that we will hit next no here, and then it will start configuring the the project folder for this. So it should take some time to enable it. So ये यहाँ पे enable हो गया। अब enable होने के बाद जो पहली चीज, जो अब necessary चीजें यहाँ पे है, पहले नंबर एक configuration icon मेरा बन गया, IOC
एक्सटेंशन के साथ, और पिन आउट इन कॉन्फ़िगरेशन है, क्लर्क कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर टूल्स है, सॉफ्टवेयर पैक्स यहाँ पे है, पिन आउट यहाँ पे है, और ये पूरे चिप के ऑल पिन आउट का इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है वो है हमें ये सेलेक्ट कंपोनेंट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैक्स से सेलेक्ट कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है। वंस यू सेलेक्ट दिस यू विल सी लाइक XQBLE1 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो अभी जो लेटेस्ट क्यूब आईडी के साथ जो रिलीजेस हो रहे हैं उसमें BLE को वो लोग बाय डिफॉल्ट ये लोग इनेबल करके दे रहे हैं। सो हमें बस ये देखना है कि इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इफ इट इज नॉट इंस्टॉल्ड देन वी विल नीड टू इंस्टॉल इट, अदरवाइज इट इज ओके। देन वी विल गो इन द वायरलेस सेक्शन एंड डिवाइस सेक्शन एंड सी व्हाट थिंग्स आर देयर। सो यू कैन सी लाइक क्यूब BLE 1 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट जो उसके अंदर में जो नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन है वो इनेबल नहीं है। सो वो हमें इनेबल करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो करने के साथ ही यहाँ पे येलो कुछ कॉशन मार्क्स आने लगेंगे। सो अगर उस पर उसको एक एक करके अगर हम सही सेलेक्ट करें तो मे बी वो ऑप्शन सारा चला जाएगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ब्लू एनर्जी, दिस HCL स्टैंड्स फॉर होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। होस्ट कंट्रोलर अब क्या है, ये ब्लूटूथ के बेसिक्स में मैंने ऑलरेडी बताया है, बट जस्ट रिमेंबर दैट होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस इट इज। तो यहाँ पे हम बेसिक सेलेक्ट कर लेंगे होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस का, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरफेस सो यूजर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा करते के साथ ही यू कैन सी दो डबल चेक मार्क्स आ गए हैं, और यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये सारा सेलेक्टेड हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन कौन सी हमें चाहिए, सो सेंसर डेमो BLE सैम्पल ऐप बीकन वर्चुअल कॉम्पोर्ट, हम सेलेक्ट करेंगे सेंसर डेमो डेमो BLE, और उसके बाद यहाँ से ओके हिट कर देंगे। सो ये क्या होगा, इतना करते के साथ ही एक नई यहाँ पे चीज एक न्यू एंट्री यहाँ पे हो जाएगी सॉफ्टवेयर पैक्स की, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये विजिबल होगा STM32Cube BLE 1.6, राइट। सो अब ये इनेबल होने के बाद हमें इसके अंदर जाना है, वी विल क्लिक वंस, और हमें ये दोनों इनेबल कर देना चाहिए। सो वायरलेस ब्लू एनर्जी MS, सो अगर हम यहाँ पे होवर ओवर करें तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखता है। और दूसरी चीज डिवाइस BLE एप्लीकेशन, इसको भी हमें इनेबल करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें एक्चुअली क्या इनेबल करना है, क्या नहीं इनेबल करना है, और कौन सी चीज कहाँ पे हमें मिलेगी। सो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मॉड्यूल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। सो अगर हम इसके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें तो इस मॉड्यूल का नाम है STSBBTLE RF BLE मॉड्यूल, जो कि ST ब्लू एनर्जी MS BLE 4.1 वायरलेस नेटवर्क प्रोसेसर है, 4.1 कंप्लाइंट है, एंड FCC और ये सारे सर्टिफाइड मॉड्यूल्स के साथ ये सर्टिफाइड एक्चुअली। और अगर हम पर्टिकुलरली इसके सिमेट्रिक पे ध्यान दें तो हमें इसमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ब्लूटूथ मॉड्यूल एक्चुअली कनेक्टेड है SPI3 के लिए। सो SPI3 ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले इनेबल करनी पड़ेगी, उसके बाद हम पिन का इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो चलते हैं अपने SPI3 सबसे पहले इनेबल करते हैं। सो SPI3 इनेबल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कनेक्टिविटी में और SPI3 में, और यहाँ SPI3 से फुल डुप्लेक्स मास्टर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार सेलेक्ट करने के बाद हमें जो ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं वो पर्टिकुलरली इसमें यहाँ से हमें देखने हैं। तो यहाँ पे ये जो बिट्स है वो 8-bit डेटा फ्रेम हम सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलरली इसके लिए, और दूसरी जो चीज है उसकी प्री स्केलर अदर इंफॉर्मेशंस आर ओके। हाँ, ये प्री स्केलर हमें 16 प्री स्केलर सेलेक्ट करने चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन बेसिकली रिलेटेड है अपने इस इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि क्योंकि
जो इस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी है वो है 80 मेगाहर्ट्ज़, और 80 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से अगर हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे अगर नज़र डालें, 80 मेगाहर्ट्ज़, तो उसके हिसाब से ये सारे चीज़ें डिवाइड होती हैं। और जो पर्टिकुलर बस फ्रीक्वेंसी ये सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसके लिए हमें ये SPI की ये सेटिंग्स सेलेक्ट करनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो ये होने के बाद एक और चीज़ हमें इनेबल कर लेनी चाहिए, और वो है अपना ब्लूटूथ, सॉरी अपनी, सो पर्टिकुलरली जो डिबगिंग पर्पस के लिए हम ये बोर्ड RS-475 जो है उसकी USART-1 पिन बेसिकली डिबगिंग के लिए इनेबल्ड है। सो उसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे, और पर्टिकुलरली मोड पे अगर हम ध्यान देने की कोशिश करें तो एसिंक्रोनस मोड हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। सो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये PB6 PB7 ये इनेबल हो जाएंगे, इसमें और कुछ चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम आते हैं बैक टू आवर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे, और यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली पिन्स को सारे सेलेक्ट करने हैं। सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान देने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से जगह पे कनेक्टेड है। सो ये रहा होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस, TL इंटरफेस, जिसमें सबसे पहली चीज़ है एक्सटर्नल लाइन, एक्सटर्नल इंटरप्ट लाइन। सो ये हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है वो जानने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल की जो इंटरप्ट लाइन है वो है EXT16। सो EXT16 यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटर्नल 16 लाइन एक्चुअली कहाँ पे है, ये रही। सो यू कैन सी इट इज ऑल्सो राइटिंग ब्लूटूथ मॉड्यूल SPI इंटरप्ट रिक्वेस्ट, सो वी विल सेलेक्ट दैट। देन SPI, दिस इज ब्लू फुल मास्टर एंड SPI3। बाई डिफॉल्ट हमने SPI3 को इनेबल किया है, सो ये वो यहाँ पे दिख रहा है। चिप सेलेक्ट लाइन हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है, सो वी विल गो हियर एंड वी विल सी लाइक चिप सेलेक्ट लाइन इज दिस STT-BLE-RF SPI3 जो कि चिप सेलेक्ट लाइन है। सो वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे वो कौन सी है। सो वो हमें यहाँ पे दिखेगा BT मॉड्यूल SPI चिप सेलेक्ट जो कि PD13 से कनेक्टेड है। सो वो हमें मिल जाएगी पर्टिकुलरली, और SPI के पर्टिकुलर जो लाइन है वो ये वाली है MOSI MISO। सो वो ऑलरेडी इंटरनली ये कनेक्टेड है MOSI MISO एंड सीरियल क्लॉक। सो इसको कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो SPI3 हमने इनेबल किया, तो अपने आप ये PC10 PC11 PC12 ये कनेक्टेड हो जाती है। देन लास्ट इज आवर रीसेट लाइन। अगर रीसेट लाइन पे हम ध्यान दें तो रीसेट एक्चुअली BT-RF रीसेट कनेक्टेड है वो बाय डिफॉल्ट, तो वो हम देख लेंगे वो कहाँ पे है। सो वो है ये SPPTLERF-RST। सो ये रीसेट हो गया SPLE का। नेक्स्ट थिंग्स आर BSP बोर्ड सपोर्ट पैकेज में हमें क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए। सो बेसिकली आइडिया ये है कि जब हम बटन प्रेस करें तो ये एडवर्टीजमेंट या फिर कोई भी एक इंटरप्ट एक्शन हो मेरे बोर्ड से। सो उसके लिए ऑफ कोर्स हमारी जो GPIO की जो पर्टिकुलर लाइन जो बटन से इंटरफेस्ड है वो है पिन नंबर 13। सो 16 16 वी ऑलरेडी सेलेक्टेड, सो वी शुड लुक फॉर PC13 ये वाली बटन एक्सटर्नल 13। और BSP USART हमने ऑलरेडी एसिंक्रोनस सेलेक्ट किया है, सो वो हम सेलेक्ट करेंगे USART-1 पे। और BSP-LED जो है हम PB14 को सेलेक्ट कर लेंगे, PB14-LED2, राइट। सो इतने सारे कॉन्फ़िगरेशंस होने के बाद अभी भी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस हम पर्टिकुलरली वो सेलेक्ट करने के बाद वो सारे इनेबल अपने आप हो जाते हैं, उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बटन अगर हम देखेंगे तो ये एक्सटर्नल 13 पे है और बाकी सब SPI के है, और पर्टिकुलरली हमने जो सेलेक्ट किया LED2, ये LED2 पिन PB14 पे, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज इट इज। सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम हियर, ओनली चेंजेस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी नीड टू मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर
the interrupt which we have enabled is properly enabled. So उसके लिए यहाँ पे सिस्टम कोर में NVIC में जाएंगे और हम चेक करेंगे कि 13 और 16 जो हमने यूज़ किया है, सो यहाँ पे 10 टू 15 में 13 आ जाएगा और एक्चुअली 15 इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0, सो 15 स्टैंड्स फॉर 16 नंबर एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन, और दूसरी जो पिन है हमारी एक्सटर्नल वो है 16 और दूसरी बटन के लिए वो 13, सो दोनों इसमें ही आ जाएगा हमारा. सो इसका मतलब कि ये सेलेक्टेड है, अभी हम कोई प्रायोरिटी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स ऑल 0. देन वंस दिस ऑल थिंग्स आर ओके, वी नीड टू जनरेट द कोड. सो फॉर दैट वी शुड सिंपली hit control plus s from our keyboard and it will prompt, do you want to generate the code? Then you will say yes. So it will take some time for it to generate the particular code, and after that we will start with the program. So now that program is done, we will check whether we have everything proper. So it will open main.c file and you will find one blue app blue nrgms.h is there. After that a system clock enable hua hai, mx gpio hamari enabled hui hai, aur main.file main loop ke andar hardware abstraction layer initialization hua hai, gpio initialization hua hai, bluetooth initialization hua hai, aur uske baad ye bluetooth nrgms process mein gaya hai. So मेन प्रोग्राम बस इतना ही है. तो अगर हम इसके अंदर जाएंगे, सो हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल के अंदर हम जा रहे हैं, सो वी विल ओपन दैट पर्टिकुलर हेडर फाइल. बट बिफोर दैट लेट्स बिल्ड द प्रोजेक्ट वन टाइम एंड लेट्स सी वेदर इट इज सक्सेसफुली बीइंग एबल टू बिल्ड और नॉट. सो अगर ये सक्सेसफुली बिल्ड होता है देन इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज प्रॉपर एंड देन वी कैन स्टार्ट टेस्टिंग ऑन द बोर्ड. Okay, so now you can see that my board is perfectly, the example, the sample is properly compiling without any error and without any warning. So, this particular library ki main baat kar raha tha, wo library hume milegi core mein, source mein, aur particularly source ke andar jo main.c, all msp, system calls, ye sari general libraries hain, aur include mein hume ye RT component, ये सारी लाइब्रेरीज हैं. और पर्टिकुलरली अगर ब्लू एनर्जी की बात करें, सो यहाँ पे है ब्लू एनर्जी ms.c. सो इसके अंदर हम पर्टिकुलरली अगर देखने की कोशिश करें कि क्या कंटेंट्स है, क्या क्या चीज़ है, हमारे प्रोग्राम का नाम है ब्लू एनर्जी. सो हमें मोबाइल ऐप पे बेसिकली ये ब्लू एनर्जी के नाम से ये स्कैन करने पर हमें दिखनी चाहिए. और अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे ब्लूटूथ इनिशियलाइजेशंस, पर्टिकुलरली स्टैक इनिशियलाइजेशंस, सेंसर डेटा को सेंड करना, और ये कैन सी कि वो जो पर्टिकुलरली हम जो प्रोसेस देख रहे थे इसमें, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें इस ms.c में हमें दिखाई दे रहे हैं. सो यहाँ पे यूज़र प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और एक पोस्ट कंट्रोलर इंटरफेस यूज़र इवेंट स्टार्ट हो रहा है. अगर हम यूज़र प्रोसेस में देखें तो पर्टिकुलरली ये इसी पर्टिकुलरली इसी फाइल में जब बटन प्रेस हो रहा है तो हॉल डिले के ये होने के बाद वेट अंटिल द यूजर बटन इज रिलीज्ड, और उसके बाद चेक करने के लिए कि ब्लूटूथ बटन इंटरफेस हुआ या नहीं हुआ, और वगैरह दूसरी चीज़ें BSP LED को टॉगल करना, और उसके बाद अगर कनेक्टेड है तो डेटा को भेजना, और अगर नहीं तो वेट वन सेकेंड टू सेंड न्यू डेटा एंड समथिंग लाइक दैट. सो इस तरह से ये मेन प्रोग्राम इस तरह से बना हुआ है. सो नाउ लेट्स इंटरफेस आवर बोर्ड. सो मेरे बोर्ड को इंटरफेस करने से पहले मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि ये बोर्ड एक्चुअली ऐसे मेरा कनेक्टेड है और मैं इसको अब इस USB से कनेक्ट कर रहा हूँ. सो USB से कनेक्ट करने के साथ ही कुछ LEDs यहाँ पे ऑन हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं.
अब मैं इसको सबसे पहले तो इसको मैं फुली तरह से इरेज कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ वो है STM32 क्यूब प्रोग्रामर। तो एक्चुअली इससे इजी होता है फुल बोर्ड इरेज करके और देन उस पर प्रोग्राम करने करने का। STM32 क्यूब प्रोग्रामर यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर हम लेट मी शो दैट थिंग ऑल्सो बोर्ड। यहाँ पे हम इसके को इरेज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे ये बटन क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू इरेज द फुल चिप। ओके, सो एज यू कैन सी अभी पूरा इरेज होने के बाद ये सारे बटन्स डिफॉल्ट मोड में चले गए, यहाँ पे ब्लू एलईडी वगैरह सब कुछ ऑफ हो गया और अभी ये चिप मेरा पूरी तरह से ब्लैंक है। और अब मैं इसमें अपने मेन प्रोग्राम को डिबग करते हैं। उसके लिए यहाँ से डिबग डिबग एज वी विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड देन वी विल हिट ओके। वी डोंट नीड टू मेक एनी चेंज इन डिबगर और एनी अदर प्लेसेस, जस्ट अप्लाई ओके। And once again it will compile to make sure that there is no error, no warning. And then we will switch to this. So now as you can see the program is downloading on the board. It is downloaded properly and now we will one by one we will try to execute the program so that it will be easy to for us to see and then work. So for that let me put it like this. So now let's execute one by one. Line one, and here actually it will initiate all the GPIO pins. Okay, so you can see this particular this GPIO LED2 and this Bluetooth button both are enabled, and then we will go next, and then we will go next. So you can see like ये particular LED2 pin जो है वो enable हो गई। आई I मीन ये एडवर्टाइज कर रही है। सो नाउ मैं STM32 की जो BLE ऐप है उसको BLE सेंस ऐप उसको ओपन करता हूँ और ये मेरी ऐप ओपन हो रही है। सो नाउ लेट लेट अस ट्राई टू सी साइड बाय साइड ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज माय एप्लीकेशन ओके। लेट मी ट्राई टू एडजस्ट इट। So this is my application. Now I will go and click connect device once and we will allow it. So you can see this blue NRG instance will be okay. It will be showing here. So now what we will do, we will click here once. As soon as it will click, you can see that blue LED is now not blinking that much faster. It is like little bit slow, and now you can see the temperature and pressure it is showing here on the app. Currently it is sending simulated data. So now let's try to click that particular button once and let's see what changes are coming in the application. So now I will try to press this button once. And currently it is showing. So let me press it little more time.
And we have other sensors data also, like environmental, MEMS fusion center sensor. Okay, so let's go to this. And this is again a kind of simulation data. If we will try to go into environmental, we have these options. And if we will try to plot this data, so this is asking which sensor data you wanted to plot. So maybe I want to plot this accelerometer data, and then I will hit this play button. So you will be able to see that some data is coming on this. So agar main isko aise move karu, so you can see the corresponding changes are happening in the this graph of this particular application. Why? Because the accelerometer data is changing. Okay, so hope you got a fair understanding of how this Bluetooth system works. So hope आपको ये demo Bluetooth की अच्छी लगी होगी. आपको you got a fair understanding of how to start and get the data from sensor data from the board, and then of course you can make the changes in the program to get some kind of useful data and then start working with that. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आई गेट द encouragement टू मेक अनदर short of videos technical particularly embedded systems and IoT. So until then, see you next time.